की 30 किलो की इसकी बैग आती है ना, यहाँ पे सुनहरा कलर का, जिससे बड़ा बड़ा साइज का रहते हैं, देख सकते हो छोटा छोटा है। 70 की रेट में बिकती है, 10 रुपए की खरीदे हुए यहाँ पे 4 महीना हो गया इसको। इसका यहाँ पे अदौरी बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा खासा अदौरी बनता है इसका, चमचमाता हुआ। ये पॉलिश दाल है यहाँ मैथिली में, यहाँ पे देख सकते हो उरद धोए, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का रहा दाल है। देखिए कितना दोस्तों, कैसे आप लोग, यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। दुकान स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दलहन आइटम्स की, जो कि 9 प्रकार का दलहन आइटम मेरे पास है। अरहर दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, उड़द दाल छिलका, मटर दाल, हर एक तरह का यहाँ पे दाल है मेरे पास, खेसारी दाल भी है। तो उस सब का आप लोगों को डिटेल से जानकारी देंगे, जानेंगे आज की होलसेल रेट क्या है, ताज़ी होलसेल भाव क्या है मार्केट का। तो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे बदलाव आया है इलेक्शन के वजह से, यहाँ पे नेटवर्क क्रैश हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, उसी कारण यहाँ पे रेट ऊपर नीचे हुआ है। तो आपको वीडियो जरूर से देखना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में बताते सब्सक्राइब नहीं करते। चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मसूर दाल की, जो कि यहाँ पे अखरा मसूर दाल है। आप देख सकते हो थोड़ा सा ऑरेंजी टाइप का है ये, एक शाइनी वाला आता है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चमकते रहता है, पॉलिश्ड दाल रहता है वो, इससे थोड़ा वो सस्ता रहता है। तो इस ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, देसी से आप लोग बोल सकते हो मसूर दाल को। बात की जाए इसकी होलसेल रेट की, तो इसमें यहाँ पे 72 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलता है, जो कि 30 किलो की इसकी बैग आती है, तो उस हिसाब से 2160 रुपये की आपको खरीद पड़ती है पूरी की पूरी बैग 30 किलो की। यहाँ पे 80 का यहाँ पे रिटेल में बिकता है, 8 रुपये की मार्जिन है प्रत्येक किलो पे, तो उस हिसाब से 30 किलो बेचने में हम लोग को 240 रुपये की यहाँ पे बचत होती है मसूर दाल पे। उसके बाद यहाँ पे चना दाल की हम लोग बात करते हैं, जो कि एकदम स्पेशल क्वालिटी का है, देख सकते हो थोड़ा भी यहाँ पे कमी नहीं है इसमें, देख सकते हो कितना यहाँ पे सुनहरा कलर का। अब अगर बात की जाए इसकी होलसेल रेट की, तो इसकी भी 30 किलो की बैग आती है, 71 रुपये के हिसाब से हम लोग को खरीद पड़ती है, 2130 रुपये प्रत्येक बैग की खरीद है, और यहाँ पे 78 रुपये बिकता है, 71 रुपये की खरीद थी, 7 रुपये की मार्जिन के साथ 30 किलो बेचने में हम लोग को यहाँ पे कुल मिला के 210 रुपये की मार्जिन मिलती है, जो कि अच्छी खासी है चना दाल के नाम पे। उसके बाद आगे बढ़िए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मूंग दाल की, देख सकते हो जो कि ये छोटा वाला मूंग दाल है, देख सकते हो ये पॉलिश्ड है, एक यहाँ पे देसी भी हमने लाया था, जिससे बड़ा बड़ा साइज का रहता है, देख सकते हो छोटा छोटा है, यहाँ पे टूट की तरह आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए, यही बिकता है मेरी तरफ। मूंग दाल यहाँ पे 97 रुपये की खरीद पड़ती है, 97 रुपीज की यहाँ पे खरीदारी पड़ती है प्रत्येक किलो की, 30 किलो की यहाँ पे बैग आती है, तो 2910 रुपये की यहाँ पे खरीद पड़ती है पूरी की पूरी बैग, और यहाँ पे 105 रुपये का रिटेल में बिकता है, यानी कि 8 रुपये की मार्जिन के साथ 1 किलो बिकता है, 30 किलो बेचने में 240 रुपये की यहाँ पे प्रॉफिट होती है एक दुकानदार को, जो कि रिटेल में यहाँ पे प्रॉफिट है। उसके बाद खेसारी दाल, अगर आप जानते होंगे इसके बारे में सुने हो, तो खेसारी दाल की यहाँ पे बात करते हैं हमने, ये मीठा दाल आप बोल सकते हो इसको, ये मीठा रहता है, इसका कचरी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है दोस्तों, इसका कचरी अगर आप खाए होंगे तो आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बिहार में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फेमस है इसका कचरी। तो खेसारी लाल यादव इन्हीं के नाम पे यहाँ पे, सॉरी खेसारी लाल यादव का जो नाम है वो इसी दाल के नाम पे है। यहाँ पे देख सकते हो 60 रुपये की इसकी खरीद पड़ती है, 30 किलो की बैग आती है, उस हिसाब से 1800 का यहाँ पे एक बोरी मिलता है 30 किलो का, यहाँ पे 70 की रेट में बिकती है, 10 रुपये की मार्जिन के साथ 30 किलो बेचने में 300 रुपये की रिटेल में प्रॉफिट मार्जिन इसमें मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाती है यहाँ पे खेसारी दाल पे, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमी आई है। यहाँ पे देख सकते हो छिलका उड़द दाल है, ये देखिए कितना बेस्ट क्वालिटी का है, मुझे इसके खरीदे हुए यहाँ पे 4 महीना हो गया, इसको 110 रुपये में खरीदता था, मुझे यहाँ पे खरीद पड़ा था 110 का ही, और यहाँ पे अभी 145 का रेट में बिक रहा है, तो आप लोग समझ ही गए मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन बच गया यहाँ पे 2.5 किलो, लेकिन अभी बिक्री ही नहीं इसका, उस हिसाब से यहाँ पे अगर 110 का यहाँ पे खरीद था, 3300 का मुझे पड़ा था ये खरीद, तभी से रखा हुआ है, 145 का हो चुका है, यानी कि प्रत्येक किलो पे 35 रुपये का हम लोग को मार्जिन मिलेगा अभी अगर ये बिकेगा, लेकिन उतना बचा नहीं है, उतना सेल भी नहीं है अभी, क्योंकि सीजन में ही बिकता है, तो यहाँ पे कुल मिला के 35 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन मिलेगी, यानी कि 1050 रुपये प्रत्येक बैग का यहाँ 30 किलो पे बचत है, लेकिन ये तो बचा है मात्र 2 से 2.5 किलो, तो मान लीजिए 70 रुपये की यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन मिलेगी, जो कि कब मिलेगा वो कोई था नहीं है, क्योंकि इसका बिकने का चांस कम ही है, अब खराब हो जाएगा नहीं तो कहीं पे ज़बरदस्ती बेचना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हो ये मटर दाल है,
इसके यहाँ पे अदौड़ी बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा खासा अदौड़ी बनता है इसका। अदौड़ी यानी कि मंगोड़ी जिसे आप बोलते हो, वो देख सकते हो मटर दाल है। ये जो मटर आता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पीला मटर जो आता है इसी का यहाँ पे दाल बनता है, इस मटर का दाल बनता है, तो उसी का ये दाल है। तो आप लोग इसकी अगर होलसेल रेट की बात की जाए तो 55 रुपये की खरीद पड़ी थी मुझे, और ये 75 का बिकता है अभी। वैसे अभी सेल कम हो चुकी है अभी इसकी, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रत्येक किलो पे 20 रुपये की मार्जिन है, और यहाँ पे उस हिसाब से 30 किलो की बैग बेचने में 600 रुपये की मार्जिन मिलती है, जो कि अभी बच के यहाँ पे 2.5 किलो बचा है मात्र। तो ये किस्मत ख़राब है मेरा जो, तो इसे किस्मत ख़राब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीजन वाइज चलता है। सीजन में घरेले से बिक गया, अभी सीजन ऑफ है अभी बिकेगा नहीं, अब मार्जिन ज़्यादा है, तो ये लक पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। यहाँ पे देख सकते हो राहर दाल यहाँ पे पॉलिश्ड है, जो कि इसको यहाँ पे गुड़िया राहर दाल है। मेरा अगर वीडियो देखते होंगे तो मैं इसी दाल की बारे में बताता हूँ, बहुत ही अच्छी दाल होती है ये भी, राहर दाल गुड़िया है। 144 रुपये की इसकी होलसेल रेट है, जो कि 2 रुपया ऊपर नीचे होते रहता है इसका। 144 रुपये का भी चल रहा है, देख सकते हो चमचमाता हुआ, ये पॉलिश दाल है। यहाँ पे देख सकते हो अखरा नहीं है इसे, जैसा कि अखरा और पॉलिश में आप लोगों को फ़र्क यहाँ पे मैं बताते रहता हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो अगर इसकी होलसेल रेट के बारे में बात किया जाए तो 30 किलो की इसकी बैग आती है 4320 रुपये की, यहाँ पे बैग की खरीद पड़ती है। आप देख सकते हो नीचे में 30 किलो की बैग है, तो यहाँ पे 4320 का खरीद पड़ता है, 150 का बिकता है, यानी कि 6 रुपये की मात्र मार्जिन है प्रत्येक किलो पे। तो इस हिसाब से 30 किलो बेचने में 180 रुपये की बचत होती है। वहीं पे अगर बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हो उड़द दाल है, जिसे उड़द धोई हम लोग बोलते हैं मैथिली में। यहाँ पे देख सकते हो उड़द धोई, तो अगर इसकी होलसेल रेट के बारे में बात करें तो 130 रुपये खरीद पड़ती है, 30 किलो की इसकी बैग आती है, यानी कि 3900 का यहाँ पे मात्र खरीद पड़ता है, और यहाँ पे 140 का बिक्री है, तो 10 रुपये की मार्जिन मिलती है प्रत्येक यहाँ पे किलो पे। और 30 किलो की ये बैग है, यानी कि 300 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलती है उड़द दाल धोई पे। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट राहर दाल की, जिसका आप लोगों की भी इंतजार था। बाबूजी गोल्ड राहर दाल है मेरे पास, दिखा दूं मैं आपको चेहरा इसके बैग का। देखिए बाबूजी गोल्ड बेस्ट क्वालिटी तुअर दाल है, 30 किलो की बैग है इसकी। यहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रंक में दिखाता हूँ, देखिए ये रहा, ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी का राहर दाल है। देखिए कितना यहाँ पे आप लोग देख के ही बता दोगे जी, कितना यहाँ पे अखरा है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का, पॉलिश नहीं है, अखरा राहर दाल है, एकदम देसी है, ओरिजिनल राहर दाल इसे आप लोग बोल सकते हो। तो अगर इसकी होलसेल रेट के बारे में बात किया जाए तो 4620 रुपये की एक बैग आपको खरीद पड़ेगी, 4620 रुपये का ये बैग है। देख सकते हो कितना वैल्यू है, 4620 रुपये का एक बैग है 30 किलो का। यहाँ पे देख सकते हो प्रत्येक किलो की अगर बात करें तो 154 का खरीद पड़ता है, 160 का हम लोग बेचते हैं, 6 रुपये की मार्जिन के साथ 30 किलो बेचने में 180 रुपये की प्रॉफिट मार्जिन है राहर दाल अखरा पे। तो यही थी पूरी की पूरी कलेक्शन, मैंने हर एक दाल के बारे में बता दिया है, करीब 9 प्रकार का यहाँ पे दाल, तो यहाँ पे 9 प्रकार का हमने बात कर लिया है दालों का। अब आपकी बारी, आप अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए जुड़े रहें दुकान वाला के साथ, और भी ऐसे नए नए कंटेंट देंगे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू दोस्तों।